Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. फेस्टिवल सीजन का नाम सुनते ही सबसे पहले माइंड में आता है कि क्या पहने जो थोड़ा सा डिफरेंट भी लगे, स्टाइलिश भी लगे. सो इसी थॉट को माइंड में रखते हुए मैंने इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे आइडिया शेयर किए हैं जिसमें मैंने अपने एग्जिस्टिंग वार्डरोब में से ए लाइन कोट का अनारकली आउटफिट, शरारा आउटफिट को पेयर अप किया है विद लेगिंग्स, स्कर्ट्स, प्लाजो पैंट्स. Just added a twist in them to make them appropriate for the festival season without spending a lot of money. और मैंने सारे outfits में कुछ ना कुछ एक ऐसे additions दिए हैं जिससे कि वो काफी cool, modern and contemporary look दें. So let's just get started. For the first outfit, I'm going to dress up this beautiful mustard yellow kurti. एंड इसको मैं पहले नॉर्मली मैरून लेगिंग्स या फिर रेड लेगिंग्स के साथ पेयर अप करती थी, बट आज हम इसे डिफरेंटली स्टाइल करेंगे. सो मैंने लेगिंग्स हटाकर आई स्विच टू दीज गॉर्जियस जूट स्कर्ट. दिस इज अ ए लाइन कुर्ता एंड मैंने यहाँ पे थोड़े से टसल्स लगवाए हैं एंड नेक को हैवी करने के लिए आई जस्ट अटैच दिस लेस ऑन द नेक. एंड एज यू कैन सी कैसे कुछ टसल्स और नेक लाइन पर एक लेस लगाने से ओवरऑल कुर्ते का लुक कितना हैवी हो गया. मैंने इस आउटफिट को दो वेज में स्टाइल किया है. वन इज विद गोल्डन थीम विदाउट दुपट्टा एंड अदर इज इन मल्टी कलर थीम विद दुपट्टा. इस कुर्ते में थोड़ी सी डिटेलिंग्स है, ये गोल्डन डॉट्स बने हुए हैं, प्रिंट है. सो मैंने ये गोल्डन इयर रिंग्स इसके साथ पेयर अप किए हैं एंड ये कपड़ में एक गोल्डन बैंगल पड़ी हुई थी, बहुत ही सुंदर है. इस पे एक मोर का डिजाइन बना हुआ है. देन इसके साथ पेयर अप किए रिंग. सो अभी दिवाली आने वाली है, देन वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा. सो आप लोगों के लिए एक टिप है, इफ आपका कोई भी प्लेन कुर्ता है देन उसका आप टोटली लुक एनहेंस कर सकते हो बाय एडिंग दीज टाइप ऑफ स्मॉल डिटेलिंग्स लाइक नेक एरिया में लेस या फिर स्मॉल स्टोन्स, मिरर वर्क ऐड कर सकते हो, साइड स्लिट में टसल्स ऐड करवा सकते हो जैसे मैंने किए हैं एंड इंस्टेंटली यू विल फाइंड कैसे आपके कुर्ती का ओवरऑल लुक एनहेंस हो जाता है. नाउ बात करते हैं इस जूट स्कर्ट की. मैंने जैसे ही इसे देखा था आई फाउंड लाइक कि कितना एलिगेंट एंड क्लासी लग रहा है एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि इसे किसी भी कलर की टॉप, ब्लाउज, कुर्ती के साथ पेयर अप कर सकते हैं. सो या इट्स लाइक आपको एक गोल्डन या ऑफ वाइट लहंगे या स्कर्ट में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज फॉर फेस्टिव सीजन दीज कलर्स आर वेरी अप्रोप्रिएट टू वेयर. नाउ आई स्टाइल द सेम आउटफिट इन सेकेंड वे. इसमें मल्टी कलर के टसल्स लगवाए थे मैंने. सो ये मल्टी कलर के इयर रिंग्स हैं जिसके साथ परफेक्टली मैच हो रहे हैं. एंड मुझे अपने कबर्ड में ये मल्टी कलर का ब्रेसलेट भी मिल गया. देन उसके साथ मैंने पेयर अप किए मल्टी कलर गॉर्जियस गॉर्जियस चुन्नी और इसमें ये गोल्डन लेस मैंने खुद अटैच की. यू नो ये चुन्नी आई मेड इट माई सेल्फ. कैसे? फ्रॉम माई मम्मीज ओल्ड साड़ी. एज मैंने मल्टी कलर थीम सिलेक्ट की थी बिकॉज मल्टी कलर टसल्स मिल गए थे, इयर रिंग्स मिल गए थे, ब्रेसलेट था, सब मिल गया था. बस बचा था एक मल्टी कलर सुंदर सा दुपट्टा. मम्मी के वार्डरोब में एक आर सर्चिंग के बाद मुझे मिली ये साड़ी. एंड इसे मैंने कैसे बनाया वी विल श्योरली डिस्कस इट इन माई अपकमिंग वीडियोज. इसे आप ऐसे भी पेयर अप कर सकते हो साइड में. सो या आई एम वेरी हैप्पी विद द लुक. एक प्लेन कुर्ते में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट देते देते एंड एडिशंस करके आई मेड द लुक फॉर दिस दिवाली. सो अगर आपको इस दिवाली पे ज्यादा तैयार नहीं होना है और डिफरेंट भी लगना है तो
स्मॉल गेट टूगेदर्स के लिए, दिवाली के पहले या बाद वाली पूजाओं के लिए। सो दिस अनारकली कुर्ता एंड प्लाजो सेट इज जस्ट परफेक्ट। थोड़ा थोड़ा करके दिस इज द परफेक्ट लुक विच इज टर्न आउट टू बी। सो फॉर द सेकेंड आउटफिट मैं ये फ्रंट स्लिट अनारकली मिडनाइट ब्लू कलर्ड कुर्ती स्टाइल करूंगी विद दीज जूड मटेरियल एम्ब्रॉयडर्ड गोल्डन प्लाजो पैंट्स। इसमें ये फ्रंट साइड स्लिट मैंने करवाया है, इससे आई फील थोड़ा सा मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी लुक बनता है। एंड फ्रंट में गोल्डन टसल्स आए थे जो गोल्डन प्लाजो को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यू नो इस कुर्ती का मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, परफेक्ट फॉर एनी वेदर। एंड लेट्स सी हम इसे कैसे स्पाइस अप कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस कुर्ती इज़ लुकिंग विद प्लाजो पैंट्स। यूजुअली मैं इस कुर्ती को पैरट ग्रीन पैंट्स या लेगिंग्स के साथ पहनती हूँ बिकॉज इस पर गोल्डन एंड ग्रीन कलर का प्रिंट बना हुआ है। बट मुझे लग रहा है गोल्डन प्लाजो से थोड़ा एक फेस्टिव वाइब आ गई है ऑल ओवर लुक में। ये ब्लू एंड गोल्डन कॉम्बो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे प्यारा लग रहा है। आई लाइक हाउ एफर्टलेस इट लुक्स विद दीज गॉर्जियस एम्ब्रॉयडर्ड प्लाजो पैंट्स। देन ये कुर्ता और प्लाजो फिर भी थोड़ा ज़्यादा ही सिंपल लग रहा है, तो इसे एम्प अप करने के लिए मैंने गोल्डन ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ऐड की क्योंकि इस पर भी ग्रीन एंड गोल्डन कलर डिटेलिंग्स हैं। तो सबसे पहले मैंने नेक पीस ऐड किया बिकॉज ऑल ओवर लुक थोड़ा सा सिंपल लग रहा था फॉर दिवाली। जब भी मुझे लगता है कि मेरा आउटफिट थोड़ा सा प्लेन लग रहा है सो मुझे नेक पीस ऐड करना अच्छा लगता है, इससे कुर्ती की ब्यूटी भी एनहेंस होती है। देन ये ऑक्सीडाइज इयररिंग्स मैंने ट्राई किए बट देन मुझे लगा ये काफ़ी बड़े हैं बिकॉज द आइडिया बिहाइंड दिस इज नेक पीस हैवी हो गया है। सो लुक को बैलेंस करने के लिए इयररिंग्स थोड़े से सिंपल होने चाहिए। सो मैंने ये स्टर्ट्स राउंड शेप गोल्डन इयररिंग्स ट्राई किए, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं नेक पीस को। एंड ऑक्सीडाइज ब्रेसलेट पहना। You have effortless open hairs and then you are ready for a small get together. This is what I think the idea of the festivities is. हर समय नए कपड़े खरीदना ज़रूरी नहीं है, existing कपड़ों में कुछ एक twist करो, jewelry change करो, कभी lower change कर दो and that is I think a great way to amp up existing outfits and have fun in this Diwali without spending too much money. Nowadays anarkali and plazo pants are quite trendy now. Celebrities are also wearing it a lot as you can see. शुरुआत करते हैं इस कुर्ती से। जिससे पहले कि मैं कुर्ती को स्टाइल करूं, इसका आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूं। ये कुर्ती बीच कलर में है विद शिफॉन मटेरियल, बहुत ही लाइट वेटेड मटेरियल है। फ्रंट में सम लेंथ इसमें एक स्लिट बनी हुई है। बात करते हैं इसकी नेक लाइन की एंड हेम एरिया की। ये कुर्ती एकदम प्लेन थी, अराउंड ₹400 की मुझे पड़ी थी। आई परचेज इट बहुत साल पहले। देन इसके लुक को एनहेंस करने के लिए मैं इयररिंग्स पहन रही हूँ। मरून कलर की झुमकीज है, उसमें गोल्डन कलर का स्टोन्स का वर्क है। देन मैंने पेयर अप की है ये गोल्डन एंड रेड रिंग। देन हैंड्स के लिए मैंने चूज़ किया ये हैवी सा ब्रेसलेट, पूरा गोल्डन एंड रेड थीम पे भी जा रहा है। इस पे पूरी कुंदन एंड मोती वर्क की डिटेलिंग्स हैं एंड ये रेड स्टोन बीच में लगा हुआ है जो आउटफिट से टोटली मैच हो रहा है। देन मैंने ये साइड बन बनाया हुआ है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस लुक पे। देन मैंने इसे पेयर किया है इस गॉर्जियस गॉर्जियस मरून दुपट्टा, बनारसी दुपट्टा है। ऑल ओवर लुक को इसने काफी एनहेंस किया है एंड दिस इज द होल लुक। एज आई टोल्ड यू ये काफ़ी प्लेन कुर्ती थी जब हमने इसे परचेज़ किया था। देन इसके लुक को थोड़ा सा एम्प अप करने के लिए मी एंड माय मम्मी अप्लाई डिफरेंट शेप ऑफ मिरर्स ऑन नेक एंड हेम एरिया। एंड एज यू कैन सी हमने एक सिंपल कुर्ती में कुछ ट्विस्ट सेट करके इसे दिवाली के लिए परफेक्ट बना लिया। तो एक और आइडिया आप सभी के लिए, मिरर वर्क ऐड करने से पूरी कुर्ती या किसी भी ड्रेस का लुक टोटली चेंज हो जाता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि ये कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता। मैं इस कुर्ती को पहले भी पेयर अप कर चुकी हूँ विद दीज रेड ट्रेडिशनल प्रिंट स्कर्ट।
मैं आपको एक हेयर स्टाइल टिप देना चाहती हूँ। मेरा अगर यहाँ से नेक एरिया थोड़ा सा भरा हुआ होता है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा सा एकदम नीट हो। उससे क्या होता है कि यहाँ पे अट्रैक्शन गेन होता है और थोड़ा सा बैलेंसिंग लगता है। एक्चुअली क्या होता है, हम इंडियंस यही एक थिन लाइन ड्रॉ करना भूल जाते हैं। ज्वेलरी भी बहुत सारी पहन लेंगे, आउटफिट भी भरा हुआ होगा एंड बालों को भी बहुत फैंसी बनवा लेंगे, सो देयर इज नो बैलेंस। सो दिस इज द अनदर टिप फॉर दिस फेस्टिव सीजन। यदि आपका आउटफिट बहुत भरा हुआ है या नेक बहुत भरी हुई है तो अपनी ज्वेलरी को थोड़ा सा लाइट वेटेड रखिए और हेयर स्टाइल को थोड़ा सा सिंपल रखिए। एंड अगर आपका कुर्ता थोड़ा सा सिंपल है देन ज्वेलरी को आप हैवी रख सकते हैं, बालों को भी काफी फैंसी बनाइए। मेरे नेक एरिया थोड़ा सा भरा हुआ था इसलिए मैंने ये स्लीक सा प्यारा सा बन बनाया हुआ है जो काफी अच्छा लग रहा है। लास्टली आई पेयर अप दीज गोल्डन हील्स विद दिस आउटफिट। सो फॉर दिस फाइनल आउटफिट गाइज, आई एम शोइंग यू दिस शरारा सेट। ऑनेस्टली शरारा मैंने पहली बार पहना है क्योंकि ये फिर से बहुत पहले चले था, नाउ फिर से ये अब ट्रेंड में है। एंड मुझे लगता था कि मैं शरारा कितनी बार पहन पाऊंगी एंड कहाँ पहन पाऊंगी। सो आई रिसेंटली विजिटेड टू माय चाची शॉप दैट इज इन माय टाउन इटसेल्फ एंड फाउंड दिस गॉर्जियस मोनोक्रोमेटिक चंदेरी मटीरियल शरारा। शरारा इज द आउटफिट लाइक, आप इसे सिंपली भी पहन सकते हो या इसे एम्प अप कर सकते हो विद द ज्वेलरी। मुझे इसका मटेरियल काफी पसंद आया, एज इट इज अ चंदेरी मटेरियल काफी अच्छा लुक दे रहा है। आई ऑल्सो लाइक द बटन डिटेलिंग्स ऑन द फ्रंट एंड दिस कॉलर। आई लाइक इट सिंपलिस्टिक मिनिमलिस्टिक अपील एंड आई थिंक दिस इज दैट परफेक्ट आउटफिट फॉर द दिवाली। मैंने इसके साथ पेयर अप किए हैं ये झुमके। घुंघरू की स्मॉल डिटेलिंग्स हैं, नेक एरिया थोड़ा सा सिंपल है इसलिए मैंने ट्राई किए ये बड़े इयर रिंग्स। देन मैंने इसमें ब्राउन शेड लिपस्टिक हटाकर लाइट पिंक शेड लिपस्टिक वेयर की है और बनाई ये खजूरी चोटी। ऐसे से कंप्लीट लुक लग रहा है बट इसके साथ ये चुन्नी भी आई है, सो यू कैन पेयर इट अप विद दिस। इसमें नीचे एक गोल्डन टसल्स भी लगे हुए हैं। काफी सटल और एलिगेंट लुक लग रहा है, मैं इसे किसी भी वेडिंग फंक्शन या मेहंदी फंक्शन में जरूर ट्राई करने वाली हूँ। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द शरारा पैंट्स इज ये नीचे से काफी ब्रॉड होते हैं, सो इट्स वे टू कम्फी। अभी पहनने के बाद आई जस्ट फेल फॉर देम। अब मेरा सोचना ये है कि दिस इज द आउटफिट विच लुक्स वेरी ग्रेसफुल एलिगेंट एंड कम्फर्टेबल ऑल्सो। देन मैंने इसे पेयर अप किया इस गॉर्जियस पिंक बनारसी चुन्नी के साथ। इस पे जो डिटेलिंग्स है पिंक कलर की वो इसे टोटली मैच हो रही है। देर आर सो मैनी गर्ल्स हु बिलोंग्स टू अ कंजर्वेटिव कल्चर, उनको आउटफिट में दुपट्टा पहनना जरूरी होता है, उनके लिए शरारा इज लाइक गॉड ऑफ गारमेंट्स बिकॉज ये स्टाइलिश लगता है रेदर देन दैट चूड़ीदार एंड सूट्स, एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल भी है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइज, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आगे ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको इस दिवाली के लिए काफ़ी अच्छे आइडियाज़ मिले होंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड हैव अ सेफ दिवाली। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।